हूँ कि आप कैसे एंड्रॉयड मोबाइल पर IPTV के बगैर चैनल देख सकते हैं। इसके लिए आपको एक यूसी ब्राउज़र की ज़रूरत है। यूसी ब्राउज़र के बगैर यह नहीं होता। ओपन होने के बाद हमने ये वाला सेलेक्ट करना है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। डाउनलोड करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी हो जाता है। जब भी आप ओपन कर दें तो प्रॉब्लम सब लोगों को ये जब आप वगैरह आ जाते हैं फिर क्या करना होता है आपको। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने ढूंढना है कि आप कहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करें। आप होम में चले जाते हैं, आप यहाँ पर नीचे आए। आप नीचे आने के बाद आपको ये वाला जो दिख रहा है 6:48 में भी APK जो है डाउनलोड पर क्लिक करना है। सर्च कर रहा है, यहाँ पर आपको बस थोड़ा वेट करना होगा, इंतज़ार करते हैं अगर हो जाता है फिर भी। अगर यहाँ पर थोड़ा वेट करें अगर ना हो तो फिर आपने VPN डाउनलोड करना है। इसके ज़रिए से आप 800 चैनल देख सकते हैं। इसमें 800 चैनल होते हैं जो कॉर्ड बट वाले हो गए हैं, इंग्लिश वाले, कुछ मूवीज स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ है। ये वाले दोबारा एड्स भी शुरू हो जाते हैं, आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरे अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होती इसलिए मैंने यह दोस्त से लिया है, तो इतनी पावर नहीं है कि ये इससे डाउनलोड कर ले। मेरे ख्याल में अभी मैंने डाउनलोड किया नहीं, हो सकता है इसमें ना हो तो मैं हमको ये ऐड आ जाते हैं। ये ऐड से बचना है, ऐड आते रहते हैं। ऐड ये देखिए सपोर्ट नहीं कर रहा। बाकी आप बहुत आसानी जब डाउनलोड हो जाए तो फिर आपने ओपन कर लेना है। अभी डाउनलोड होने के बाद आपको पहली दफ़ा आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको हर दफ़ा ओपन करने के बाद वो अपडेट का ऑप्शन देगा। अपडेट आपने कभी नहीं करना। अगर आपने अपडेट कर दिया तो अडल्ट चैनल जो होंगे वो लॉक हो जाएंगे। जब आप अपडेट कैंसिल करेंगे तो फिर आप PPG डाउनलोड होगी, चैनल्स वगैरह जो होंगे वो सब डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे डाउनलोड होंगे आपके होम ओपन हो जाएंगे चैनल के, फिर आपने अडल्ट में जाने और चेक करने कि आपने ऐप सही डाउनलोड की। अगर अडल्ट चैनल पर लॉक है तो आपने गलत डाउनलोड किया, अगर अडल्ट चैनल पर लॉक नहीं है तो आपने बिल्कुल सही डाउनलोड की है। तो आप फिर ऐसा करेंगे, जब आप क्लिक करेंगे तो फिर वो आपको कहेगा कि इसका सर्च है इंजन डाउनलोड करें। फिर आप ओके करेंगे तो फिर वो आपको प्ले स्टोर में ले जाएगा। फिर आप कोई 55 MB की है वही इंजन एक्सट्रीम जिसका नाम है
वो जब डाउनलोड हो जाए तो फिर आपकी बफरिंग शुरू हो जाएगी 100 तक। फिर आपको एम एक्स प्लेयर का ऑप्शन देगा कि एम एक्स प्लेयर या कोई, आपने एम एक्स प्लेयर सेलेक्ट करना है, बाकी छोड़ देना है, बाकी बेकार है। जब वो हो जाए तो फिर आपका चैनल प्ले होगा।